जय हिंद, नमस्कार। मैं रोहित, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ये डिफरेंट लैंग्वेज दिख रही है वेस्ट बंगाल की, और आप लोग कंफ्यूज हैं कि ये प्रश्न हम लोगों पर क्यों थोपे जा रहे हैं और हम लोगों से क्यों कराए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैंने UPPCS, MPPCS और आज ये वेस्ट बंगाल PCS के भी प्रश्न हैं। अभी ये पेपर संडे को हुआ है, मैंने देखा कि प्रश्न कॉमन है, सभी में वही पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि CUET के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन SSC, रेलवे, बैंक, इन सब के कॉमन क्वेश्चन ही NT उठाएगा इस बार। और सिंपल प्रश्न है, वही मैंने इसमें लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और एक बार ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग कितना अच्छा कंटेंट आप लोगों को देते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इलेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 66 जो है वो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। उसमें बताया जाता है कि जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, बिल्कुल सेम होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह। तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में हाउस ऑफ पीपल होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इलेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज के वो होते हैं, और दोनों हाउस के व्यक्ति होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल ही गया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पूछा जा रहा है ऑन विच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। केवल बात की जा रही अडॉप्ट की, मतलब अपनाया गया, तो अपनाया गया तो बनकर तैयार हुआ था जब अपना लिया गया था। अपनाने की डेट थी नवंबर 26, 1949। लेकिन अगर इनफोर्स की बात करें, लागू कब किया गया, तो लागू करने की डेट थी 26 जनवरी 1950। अगर ये वीडियो में आपको ये प्रश्न हमें लगता है कि हाँ ये वीडियो से ही आए हुए प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चाहें तो एक दो कमेंट देकर हम लोगों का उत्साह भी वर्धन कर सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भारत के संविधान के अनुसार प्रेसिडेंट अपने हाथ में पूरे राज्य की पावर कब ले सकता है। तो भाई, आपको मैंने देखो बताया था, थोड़ा सा घुमी लैंग्वेज है, लेकिन वही प्रश्न कराया था। 352, 356, 360 इमरजेंसी से रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी से है, और 356 आपका राष्ट्रपति से है। प्रेसिडेंटियल इमरजेंसी लगेगी, तो 356 के अनुसार प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले सकता है इन सारी पावर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को। यह प्रश्न और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बात करता है पंचायती राज सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया, किस अमेंडमेंट के तहत। तो आप लोगों को चिल्ला कर मैंने बताया कि 73वें संविधान संशोधन से हमने पंचायती राज को जोड़ा है, और 74वें संविधान संशोधन से हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जोड़ा है। 73वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ है, और ये 1992 में हुआ है। फिर भी समस्याएं हैं, तो कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है, छाप दो कमेंट। इंस्टाग्राम पर टीम रोहित तंवर के नाम से जो अकाउंट है, वहाँ पर आप कमेंट छोड़ दीजिए, फॉलो कर लेना, बता दिया जाएगा वहाँ पर भी इनके आंसर। अगला प्रश्न जो पूछा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस प्रश्न के बारे में आप लोग सर्च करेंगे, और जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर पूरा डिटेल में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बात करता है, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द पर्स ऑफ इंडिया। पर्स ऑफ इंडिया मतलब कि जो धन की सुरक्षा कौन करता है, तो आपको पता है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल जो कैग होता है, उसका काम ही होता है कि अकाउंट्स को ऑडिट करना, देख रेख करना खातों की, चाहे वो किसी के भी अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है। ये प्रश्न याद रखेंगे कैग के बारे में। द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, जब आपने राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा होगा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर उसकी एक पावर भी बताई होगी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट है। देख रहे हो, सारे प्रश्न वही है जो आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमारे नोट्स से बाहर कुछ भी आ सकता है। अगर एक दो प्रश्न आ भी जाएंगे, तो उनका एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। बस यही है कि आप लोगों का डेडिकेशन चाहिए, आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, इस समय आखिरी समय है। हु इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, आप लोगों को बताएं कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमने जुडिशरी को बनाया है, जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट करता है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा, या फिर पार्लियामेंट करता है। इस प्रश्न में सही बताएंगे आप लोग कौन है, लेजिस्लेचर या जुडिशरी।
मेरे अकॉर्डिंग जुडिशरी है और आप लोग बताएंगे तो उस पर मैं विश्लेषण कर लूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हु इज द विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरुद्ध जो अधिकार है उसको ख़त्म किया जाता है, वो किस आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल 17 के अंदर है, जो छुआछूत का जो वो है उसको हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया आर्टिकल को, वो आर्टिकल 17 बात करता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किस किस से मिलकर बना होता है, तो आप लोगों को हम चिल्ला चिल्ला कर बताए थे कि जो पार्लियामेंट होता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, यहाँ पर आपका राज्यसभा होता है, यहाँ लोकसभा होता है, यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट होता है, चाहे इसे इधर से लिख लेना, यहाँ राष्ट्रपति, वो राज्यसभा या लोकसभा, यहाँ प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल बताए थे 79, 80, 81। बस बातों पर गौर फरमाइए और जो रिवाइज कराया जा रहा है, वीडियो में बताया जा रहा है, उनको ध्यान से सुनिए और हर वीडियो में आने का कष्ट भी करें। बात करें 108 से रिलेटेड आर्टिकल है, 108 में हम आपको बताए होंगे जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, तो आपको पता है कि जॉइंट सिटिंग बुलाने के लिए प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है और उसमें उपराष्ट्रपति जो है यानी कि राज्यसभा का चेयरपर्सन भाग नहीं लेता, तो इसका सही इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर इसमें बात करें कि स्टेट का जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है जिसको अपॉइंट कौन करता है, तो मैंने आपको बताया कि स्टेट के अंदर कोई भी काम होता है तो अधिकतर सारी पावर्स जो हैं गवर्नर के पास हैं, क्योंकि स्टेट का जो नॉमिनेटेड हेड होता है, जो हेड होता है वो गवर्नर होता है और राज्य जो यानी कंट्री है उसका प्रेसिडेंट होता है। तो जिस प्रकार प्रेसिडेंट गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, उसी प्रकार जो हैं राज्य के जैसे तो इनको अपॉइंट करने का काम होता है आपके गवर्नर का। इसका सही उत्तर है गवर्नर। आप लोग मुझे बताएंगे कि यूपी की इस समय गवर्नर कौन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जब मैंने आपको सेंटर एंड स्टेट पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इनके किसी भी काम को, मतलब जैसे इन दोनों, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि इन दोनों के बीच में जो विरोध चल रहा है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे ख़त्म कर सकते हैं, किसके थ्रू, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत इसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर केवल प्रेसिडेंट वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल सेल भी बेस्ट ये पूछा जा रहा है, तो प्रेसिडेंट ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे बड़ी पावर में होता है, वही रिफ्यूज़ कर सकता है ग्रांड लीव के लिए। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिन्हें हिंदी में चाहिए, तो हिंदी वालों के लिए ये प्रश्न जल्दी आ जाएंगे, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हिंदी में पहुंचा दिए जाएंगे आपके लिए। और ये पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आप टारगेट गुरुकुल का जो ऐप है वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ये पीडीएफ को। तो टारगेट गुरुकुल के ऐप को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, और टीम रोहित तंवर के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है, वहाँ पर काफ़ी शॉर्ट वीडियो में समझाया गया है, शॉर्ट यानी 59 सेकेंड की जो रील्स होती हैं वो बनाकर हम लोगों ने डाल दी वहाँ पर भी। चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाई गवर्नर, मैंने बता दिया स्टेट के अंदर कोई भी काम होगा अधिकतर गवर्नर के जाद उस पर होगा। आर्टिकल 51 ए की बात करें, मतलब थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ बस जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 51 ए जो है वो आपको पता है किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, रिच हेरिटेज एंड आवर कंपोजिट कल्चर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो के अंदर मैंने जो MBPCS और वेस्ट बंगाल PCS के प्रश्न थे उन्हें कराने का पूरा प्रयास किया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे तो फॉलो कर ही सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और टारगेट गुरुकुल के जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।